दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब के बारे में। जो जॉब निकल के आई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डनरी फैक्ट्री बोर्ड ऑर्डनरी फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ये वैकेंसी निकल के आई है आपकी ऑर्डनरी फैक्ट्री में, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आई है। पब्लिश डेट देख सकते हैं यहाँ पर 31/12/2019 की। और इसकी क्या योग्यता है, यहाँ पर एज लिमिट क्या क्या है और इसकी पोस्ट, पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि रखी गई है 10/1/2020, यानी कि 10 जनवरी 2020 को आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पर 9 फरवरी 2020 को, 9 फरवरी 2020 को आप यहाँ पर अंतिम तिथि देख सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं www.ofb.gov.in, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 15 से 24 के बीच में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 9/2/2020 को आपका यहाँ पर गणना होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9/2/2020 को यहाँ पर गणना होगी, तो 15 से 24 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और बाकी जो है एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज, SC ST 5 साल की, OBC 3 साल का, जो भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज है देख सकते हैं यहाँ पर, उनको सभी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अगर आप नॉन ITI हैं, मतलब आपके पास ITI नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रखा गया है जो आपके पास यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड है, अगर आपके पास हाई स्कूल है 50% के साथ, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी आपके पास हाई स्कूल में मैथ्स में 40% होना कंपलसरी है और साइंस में यहाँ पर 40% होना कंपलसरी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI वाले हैं, कोई भी ब्रांच हो ITI में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 50% होना कंपलसरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डनरी फैक्ट्री जो यहाँ पर है ऑफिशियल नोटिस में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पूरा आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे कैसे फिल करना है। अब बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, ये वैकेंसी निकल के आई है ऑल ओवर इंडिया में, तो अलग अलग स्टेट वाइज है। आप लोगों को दिखा देते हैं अलग अलग स्टेट में आई है, और उत्तराखंड की आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग जो है स्टेट में निकल के आई है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं आप, जैसे चंडीगढ़ में वैकेंसीज़ की दिखी है यहाँ पर लिस्ट है। तो चंडीगढ़ में हम बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, यहाँ पर 46 हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में है 176 हैं। तो इसी टाइप का आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेनली हम उत्तराखंड की बात करते हैं इसमें, तो उत्तराखंड में देखिए वैकेंसीज जो निकल के आई है वो आपको दिखा देते हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्टों में है और ओवर इंडिया है जॉब, ये सभी अपने अपने स्टेट में भर सकते हैं, अलग अलग स्टेट में, ठीक है ना। जितने भी स्टेट हैं आपके, हर स्टेट में आई हुई है, तो अपने अपने स्टेट में भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं देख सकते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए 282 है उत्तर प्रदेश में, जो कि शाहजहाँपुर में है। कानपुर में देख सकते हैं यहाँ पे 55 है, ऐसे हजरतपुर में देखिए 49 है, तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कानपुर में 295 है, अलग अलग जो ऑर्डर फैक्ट्री कंपनी है वहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और अलग अलग जगह पर आई हुई है, तो यहाँ पर देखिए 181 है। तो अलग अलग जगह है उत्तर प्रदेश में, देखिए यहाँ पर कानपुर, अलग अलग है सब जगह देख सकते हैं। अब बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डनरी फैक्ट्री देहरादून, तो यहाँ पर देखिए तो 77 पोस्ट आई हैं। तो यहाँ पर नॉन ITI ऑप्टिकल वर्कर जो कि यहाँ पर 27 पोस्ट हैं रिजर्व्ड के लिए, तो यहाँ पर कैटेगरीज रखे गए हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से। टोटल जो पोस्ट रखी है 77 रखी गई हैं। अब बात करें उत्तराखंड में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री देहरादून, तो यहाँ पर देखिए 151 पोस्ट आए हैं टोटल, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 102 हैं, OBC के लिए 20 है, 27 जो हैं SC के लिए हैं, 2 ST के लिए हैं। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं OH के लिए 2 हैं और HH के लिए 1 है और VH के लिए यहाँ पे 1 रखा गया है। तो अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, वेस्ट बंगाल है, सभी जगह आई ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकल के आई है। तो जो जो जिस स्टेट में है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।